नमस्कार। आज मैं बनाने वाली हूँ बचे हुए रोटी से हलवा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बचे हुए रोटी से कितना बढ़िया और कितना सुंदर और दानेदार हलवा बनकर तैयार होगा। बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया लगेगा। और बचे हुए रोटी को हम फेंक देते हैं, तो हम फेंके ना, कचरे में डाल देते हैं। तो इससे अच्छा हम बनाकर घर में ही अलग डिशेस बनाएंगे, तो जिससे बच्चे बूढ़े जो भी है वो खाए, खाना बहुत पसंद करेंगे और बहुत अच्छा बनकर भी तैयार होगा। तो ये मेरे पास है 5 रोटी है बची हुई, तो इसको हम सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं। सारी रोटियों को हम इस तरीके से हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस तरीके से रख लेते हैं। बहुत इजी है और बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। और आप इसको फेंक नहीं सकते हैं, अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि बोलते हमारे बड़े बुजुर्ग की रोटी फेंकने से, अन्न फेंकने से अन्न रोता है, बोलते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग। तो उसी के देखते हुए और समझते हुए तो मैंने सोचा कि आज हम अलग रोटी से बनाएं, जो आप लोग इसको बनाए घर में फेंके ना। तो चलिए आज हम बनाना स्टार्ट कर गोबर। तो ये मैंने रोटी सारा तोड़ लिया है, अब इसको मिक्सी में हम पीस लेते हैं। तो ये मैंने भी कजार ले रही हूँ, अब इसमें हम रोटी को डाल देते हैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं अच्छी तरीके से रोटी को। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें। अगर अब इसको हम बारीक पीस लेते हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल बारीक बिल्कुल स्मूथ रोटी को मैंने पीस दिया है मिक्सी में, और पीस के मैंने रख लिया है। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है, कढ़ाई में डाल रही हूँ घी। तो ये मैं घी ले ली हूँ, घी डाल रही हूँ। तो इसमें से मैं घी निकाल के, इसमें मैंने 3 चम्मच घी डाल दिया है। घी को होने देते हैं गरम। अब इसमें हम डालेंगे पीसा हुआ रोटी। इसको हम लगातार चलाएंगे, भूनेंगे इसको। देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में, बिल्कुल क्रश क्रश हो चुका है रोटी का भूरा। ये देखिए कितना सुंदर भी लग रहा है दिखने में हलवा। तो इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। इसको मैं ब्राउन भून ले रही हूँ, जिससे बन होगा वो निकल जाएगा इसके अंदर से, और रोटी का जो स्माइल वो भी निकल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे, आपके पास दूध है तो आप दूध डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसमें पानी डालिए, घी तो है ही है इसमें। मैंने 1 कप पानी लिया है और इसमें पानी को मैं डाल दे रही हूँ। गैस को मैं लो फ्लेम पर रखूंगी। इस तरीके से हलवा बनाएंगे तो छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, वो भी अच्छे तरीके से खा लेगा। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। गैस को बिल्कुल 2 फ्लेम पर रखा है। अब इसमें हम चीनी डाल रहे हैं, ये 2 चम्मच इसमें चीनी डाल दिया। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 3 चम्मच इसमें चीनी आप डाल सकते हैं। दो तिहाई चीनी इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं।